हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं वापस से माइनक्राफ्ट के हाईली ग्राफिक्स वाली दुनिया में। तो आज आपको सिखाने वाला हूँ कैसे ये ग्राफिक्स आप भी ले सकते हो। आप देख सकते हो थोड़ा भी लैग नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इस लावा को बंद कर देता हूँ। मैंने इंट्रो के लिए इस पूरे लावा को शुरू किया था और इसकी वजह से हमारे जो नीचे ट्रीज है वो भी जलने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने टिंटेड ग्लास लगाकर इसे बंद कर दिया है। तो आप थोड़ा सा इस वीडियो में पहले इस हाईली ग्राफिक्स को इंजॉय करो। आप देख सकते हो अभी मैं स्मार्टफोन में यानी एंड्रॉयड के पॉकेट एडिशन में ही खेल रहा हूँ। थोड़ा भी लैग नहीं हो रहा है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताना। पहले आप इस माइनक्राफ्ट के हाईली ग्राफिक्स वाले इस वर्ल्ड को देख लीजिए, फिर मैं आपको भी सिखा दूंगा ये आप वर्ल्ड अपने माइनक्राफ्ट में कैसे देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले, बिल्कुल भी लैग नहीं होगा। आप जानते हैं कि बहुत सारे शेडर्स होते हैं वो लैग होते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे थोड़ा भी लैग नहीं होने वाला है। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि ये कितनी हाईली ग्राफिक्स है, एकदम रियलिस्टिक है। यहाँ पर कोई भी मैंने वीडियो नहीं लिया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप थोड़ा डेजर्ट साइड पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी डेजर्ट साइड तो हमें देखने में रियली नेक्स्ट लेवल लग रही है। आप मुझे कमेंट में जाकर ही बता दीजिए कि ये ग्राफिक्स आपको कैसे लग रहे हैं, और आपके माइनक्राफ्ट में ये ग्राफिक्स आ जाने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर मैं एक विलेज के पास पहुँच चुका हूँ जो डेजर्ट विलेज है। वैसे आप ये वीडियो को पूरा देखना, 100% आपको एंड में पता चलने वाला है कि ये ग्राफिक्स आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे ग्राफिक्स है, इसमें चीज़ें कैसी दिखती है, इसलिए थोड़ा सा वर्ल्ड विजिटिंग करवा रहा हूँ। और अगर आपके पास अभी भी 1.17 का अपडेट नहीं आया है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, वीडियो देख लीजिए। पूरा 1.70 का अपडेट आप भी अपने स्मार्टफोन में ले सकते हैं। एक भी रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने छोटा सा जो बनाया हुआ है, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये ग्राफिक्स आप अपनी माइनक्राफ्ट में कैसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मीडिया फायर का लिंक है, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आकर डाउनलोड वाले फोल्डर में सिंपली सी ये जिप फाइल आपको मिल जाएगी। इसे यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें ये पूरा टेक्सचर पैक है। इस फोल्डर को कॉपी कर लेना है। गेम्स वाले ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पर मोजंका दिख जाएगा। इस मोजंका में जाकर आपको रिसोर्स पैक नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसे यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल पहले से आई हुई है। तो आपको माइनक्राफ्ट की सेटिंग्स में जाकर कुछ चेंजेस करने हैं जो अब आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपको माइनक्राफ्ट की सेटिंग्स दिख रहे होगी स्क्रीन पर। इस सेटिंग्स में आ जाना है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गेम है वो लैग ना हो। तो यहाँ पर ग्लोबल रिसोर्स में आकर माइक पैक में से यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है माइक पैक में। और इसमें आपको ये जो शेडर्स है जो मैंने आपको डाउनलोड करने का लिंक दिया है, ये इसे एक्टिवेट कर लेना है। लेकिन काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, यहाँ इसके बाद वो लैग करने वाला है। आप अगर गेम चालू करोगे तो वो लैग होगा। उसे रोकने के लिए आपको सिंपली से यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन में आकर सबसे नीचे आ जाना है, और रेंडरिंग डिस्टेंस का जो चंक होता है वो 10 से कम रखना है। अगर आपका मोबाइल में आपके मोबाइल में 6 GB से अच्छी रैम है तो आप इसे 15 तक रख सकते हो, वरना 10 से कम रखना। यहाँ पर मैं 10 रख लेता हूँ, और 10 रखने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और यहाँ पर पॉकेट की जगह क्लासिक करोगे तो जावा एडिशन जैसा आप गेम को खेल सकते हो। तो आई होप सबको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी न्यू वीडियो थोड़े दिनों में आ जाएंगी जिसमें पूरे रियलिस्टिक ग्राफिक होंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।